हाय एवरीवन। तो यार मलिहा ने रिसेंटली एक अमेजोन ऑफर क्रैक किया है। ऑफ कैंपस ऑफर था ये। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर प्रोसेस, कैसे अप्लाई किया, कहाँ पर जाके अप्लाई किया, रेफरल के थ्रू किया या फिर विदाउट रेफरल किया। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर प्रोसेस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड द प्रिपरेशन दैट यू नीड टू क्रैक अमेजोन। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन से। सो एप्लीकेशन मैंने विदाउट रेफरल ही की थी। डायरेक्ट जॉब पोर्टल पे जाके आपको जॉब जो न्यूली ग्रेजुएट्स के लिए जो पोस्ट होती है उस पे जाकर मैंने अप्लाई किया था एंड अपना रिज्यूमे सबमिट किया था। रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था और उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम तक लिंक्स भी आती रही थी फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि सेकेंड आपका स्टेप होता है आफ्टर योर एप्लीकेशन। तो क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑफर क्रैक हो गया था तो फिर मैं काफ़ी उस टाइम पे चिल जोन में थी एंड मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि मैं किसी भी और कंपनी के लिए इंटरव्यू दूं। तो उस टाइम पे मुझे जब अमेज़ॉन की लिंक आ रही थी आई वॉज टेकिंग इट वेरी कैजुअली एंड मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे करना ही करना है। बट देन वन डे आई थॉट कि चलो एग्ज़ाम टेस्ट तो देकर देखते हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन असेसमेंट थोड़ा एक्सपीरियंस ही आएगा। एंड दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन असेसमेंट भी अटेम्प्ट किया एंड 1.5 घंटे का टेस्ट था, 90 मिनट्स, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 3 क्वेश्चंस। द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस वॉज फ्रॉम मीडियम टू हार्ड। एंड ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि लिमिट्स जो आप वेरिएबल्स के ले रहे हो वो, लेट्स से आपने इंट में ले लिया है तो वो आपको रॉन्ग आंसर दे देगा और ओवरफ्लो दे देगा बिकॉज वो आपका इंटीजर वेरिएबल होल्ड नहीं कर पाएगा कोई वैल्यू। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है ऑनलाइन असेसमेंट में। बाकी अमेजोन का इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते ऑनलाइन असेसमेंट में। सो व्हेन यू सेड मीडियम टू हार्ड, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? लीट कोड के मीडियम एंड हार्ड? यस, नीट कोड के कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हाँ, तो उसमें। बेसिकली लीट कोड के जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्चुअल में इतने हार्ड होते नहीं हैं। एंड अमेजॉन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। यू विल बी एबल टू डू इट अगर आपने DSA अच्छे से किया हुआ है तो। करेक्ट, उसमें आपका ज़्यादा स्ट्रिंग्स ऑनलाइन वगैरह के क्वेश्चंस थे यस बेसिकली। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस थे मोस्टली। ऑल राइट, ठीक है। तो यार देखो, बहुत लोगों का ये भी डाउट रहता है कि यार रेफरल से ही अप्लाई करेंगे तभी मिलेगा, या फिर मतलब डायरेक्ट हमारी कोई रिक्रूटर से बात करवा दे तभी मिलेगा अपन लोगों को इंटरव्यू का मौका। लेकिन ऐसा नहीं होता, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द पोर्टल एज वेल। और अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है, जैसा कि मैंने बताया अमेजोन में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग चल रही है करंटली। तो फॉर श्योर यू कैन गो टू द पोर्टल, सर्च फॉर योर अपॉर्चुनिटी, जो भी आपके हिसाब से जो भी अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप की या फुल टाइम की, वो सर्च करो, उसमें अप्लाई कर लो। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं अभी कि आपके पास इंटरव्यू आ जाएगा। फिर ऑनलाइन टेस्ट में यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चंस। ओके, आफ्टर दैट कितने दिनों बाद पता चला कि इंटरव्यू फाइनली होने वाला है? कितने दिनों बाद रिजल्ट पता चलता है? सो आफ्टर विद इन आई थिंक 1 वीक और 2 मुझे रिजल्ट पता चल गया था दैट मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया है एंड मैं इंटरव्यू प्रोसेस में प्रोसीड कर पाऊँगी। सो दिस टाइम मतलब ऑनलाइन असेसमेंट में मेरे क्वेश्चंस तो सारे हो गए थे बट मुझे एक स्लाइट सा डाउट था कि टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है। ऑल्दो मैंने बहुत टाइम नहीं लिया था लेकिन ऑफ कैंपस में क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो इस वजह से काफ़ी बार आपको डाउट होता है कि मतलब टाइम की वजह से हो सकता है कि मैं रह जाऊँ, लेकिन मेरा क्योंकि बहुत कम टाइम में हो गया था तो आई थिंक दैट वॉज द रीज़न वाई आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। एंड उसके बाद मुझे 2 वीक्स के अराउंड पता चल गया था कि मेरा शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ मैं और मैं इंटरव्यूज़ देने के लिए आगे प्रोसीड कर पाऊँगी। तो यार हम लोग बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस थे एंड कितने टोटल राउंड हुए। तो हम लोग सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं कि कितने राउंड थे ओवरऑल इंटरव्यू में। तो अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है फ्रॉम कोडिंग निंजास। कोडिंग निंजास पे आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ से आपकी DSA की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर कोर्स करते करते आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, देन इन कोर्सेज में आप लोगों को मिलता है 1-on-1 TA सपोर्ट। तो इससे आप कहीं पर स्टक नहीं होंगे, आपको कहीं पर डाउट आता है आप 1-on-1 TA सपोर्ट से अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके डेवलपमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो लेट अस से आपको अपने रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऐड करना है, यू कैन रेफर टू द कोडिंग निंजास कोर्सेज। अब इन कोर्सेज पे आप लोगों को मिल जाएगा 20% डिस्काउंट फ्रॉम द लिंक जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए, यू विल बी एबल टू अवेल 20% ऑन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज। दीज कोर्सेज आर डिजाइंड बाई एक्सपीरियंस पीपल, जो लोग ऑलरेडी फेसबुक अमेजोन जैसी कंपनी में काम करके आ चुके हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर विच आई लाइक अबाउट दीज कोर्सेज इज 1-on-1 TA सपोर्ट। सो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
तो इसके बारे में हमें एक सेशन बताया गया था जिसमें हमने मतलब जो भी शॉर्टलिस्ट हुए होंगे बच्चे उस टाइम पे जो प्रोसेस प्रोसेस का जो पार्ट होंगे उन सब ने अटेंड किया था वो सेशन। एंड उसमें बता दिया गया था कि आपके 3 राउंड्स होंगे टोटल, एंड एचआर राउंड कोई अलग से एचआर राउंड नहीं होगा, आपके 2 टेक्निकल राउंड होंगे एंड 1 होगा लास्ट में बार रेजर राउंड। तो ये सब क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। सो पहले 2 जो टेक्निकल राउंड थे वो दे वर वेरी नॉर्मल टेक्निकल राउंड, जैसे कि आप सारी कंपनीज में सुनते हो डीएसए राउंड जिनको हम कहते हैं। उसमें डीएसए के साथ साथ हमें ये भी बताया गया था कि आपसे थेरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ऊप्स, डीबीएमएस, ओएस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो 45 मिनट्स का राउंड था एक, एंड आपको मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन लीट कोड के पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यही हुआ था फर्स्ट राउंड जो था मेरा टेक्निकल राउंड, उसमें मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड दोनों डिफरेंट थे, मतलब ऐसा नहीं था कि दूसरा क्वेश्चन पहले का ही सब पार्ट हो, दोनों अलग अलग थे एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट। इसमें ये एक था कि आप अगर कोई एसटीएल यूज़ कर रहे हो लेट्स से सी प्लस प्लस में, यू शुड ऑल्सो नो द इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्वेश्चन में डबली लिंक लिस्ट यूज़ हो रही थी, तो आई आस्क द इंटरव्यूअर कि क्या मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेड होता है लिस्ट नाम का, वो यूज़ कर सकती हूँ। तो शी सेड नो, एंड शी सेड कि आप खुद इम्प्लीमेंट करो लिंक लिस्ट एंड देन उसको आप क्वेश्चन में यूज़ करो। तो ये अमेजोन में और माइक्रोसॉफ्ट में भी इनफैक्ट मेरा यही था कि आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं इंसर्शन की लेट्स से या डिलीशन की, वो सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ईच राउंड वॉज एलिमिनेटरी राउंड। तो इसके बाद मुझे आई थिंक ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली एग्जैक्टली क्योंकि लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हुआ था, बट विद इन अ वीक आई थिंक मुझे पता चल गया था कि मेरा नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया है। ठीक है यार, तो ये था फर्स्ट राउंड, और जैसा कि आपने सुना कि मलिहा से पूरा का पूरा डबल लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंट कराया गया था एंड शी वाज नॉट अलाउड टू यूज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब इसमें जब भी आप लोग कोई डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं जैसे स्टैक या फिर डबल लिंक्ड लिस्ट, ट्राई टू डू इट इन अ क्लास मैनर, ठीक है, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स बना करके इसको इंप्लीमेंट करो, उसके अंदर सेपरेटली प्राइवेट एंड पब्लिक मेथड्स लिखो, डेटा मेंबर वहां पर बनाओ, तो बहुत ही अच्छा आपका कोड दिखने में आता है एंड इसके काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी होती है व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में कोड क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है आपकी, जितना अच्छा कोड होगा उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स मिलेंगे। आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड राउंड एंड या वन मोर थिंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग को राउंड के बाद ये लगता है कभी कभी कि हमारा ना बहुत अच्छा नहीं गया, देयर इज स्लाइट मिस्टेक। सो ऐसा कुछ हुआ था क्या, मतलब कुछ ऐसा मिस हुआ था या फिर पूरा कॉन्फिडेंस आफ्टर द राउंड? तो जब मैं डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रही थी तो मैं बीच में एक छोटा सा सिंटेक्स भूल गई थी, तो दैट आई ऑल्सो मैंशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि मैं ये सिंटेक्स थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ इसमें। तो यूजुअली इंटरव्यूअर्स इतने पोलाइट होते हैं कि वो आपको सिंटेक्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं बोलेंगे अनटिल अनलेस योर मतलब जो आपका बोल रहे हो, जो आप एल्गोरिदम बता रहे हो वही गलत ना हो, अगर वो सही है तो फिर दे विल नॉट कंसिडर द स्लाइट एरर इन सिंटेक्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि यू कैन प्रोसीड, इट्स ओके। एंड उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद हो सकता है इस वजह से मैं शॉर्टलिस्ट ना हूँ, बट एक वीक के अंदर क्योंकि आ गया था रिजल्ट तो दैट वॉज अ रिलीविंग मोमेंट फॉर मी। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड राउंड। द सेकंड राउंड वॉज अगेन अ टेक्निकल इंटरव्यू। सो वॉट वॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस इंटरव्यू? वॉज द क्वेश्चन लाइक मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस राउंड या फिर वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन थे मीडियम टू हार्ड लेवल के लीड कोड टाइप? या इसमें भी इजी क्वेश्चंस ही थे, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे, एंड इसमें मुझसे 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड इसके साथ साथ मुझे एक पीस ऑफ कोड भी दे दिया गया था, मुझे बोला गया था कि इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो गए या फिर किसी डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन होगी जो कि फंडामेंटल्स होते हैं बेसिकली, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए इफ़ यू आर एमिंग टू क्रैक अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज। गूगल में इतने ज़्यादा वो नहीं डीप में घुसते हैं, लेकिन इन दोनों कंपनीज़ में मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, वो काफ़ी डीप में जा सकते हैं। तो इसीलिए मुझसे मीडियम लेवल के ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उसके साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसके बाद में, इस राउंड के बाद में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि ये राउंड तो मैं क्वालिफाई कर ही लूँगी। यस, इवन आई रिमेम्बर कि आफ्टर द इंटरव्यू मलिया टोल्ड मी कि वो क्या क्वेश्चन था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई थी एंड या मलिया करेक्टली हैंडल दैट। बेसिकली वो कुछ लॉगरिथमिक टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसमें डिवाइड करके होता है एंड देन उसके अंदर एक और लूप लगा रखा था। सो क्वेश्चंस आर बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कोई हाई लेवल आपसे स्टफ नहीं पूछ जाएगा, बट बेसिक्स कम से कम क्लियर होनी चाहिए, देन यू आर सॉर्टेड। ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की।
तो आफ्टर दिस इस राउंड का रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी कि इस राउंड के बाद तो मेरा हो ही जाएगा, दैट्स वाई मुझे थोड़ी टेंशन नहीं थी, वरना काफ़ी बार इतने टाइम अगर ले ले कोई तो टेंशन हो जाती है. तो मुझे रिजल्ट भी काफ़ी टाइम बाद आया था एंड इसका शेड्यूल भी मेरा इंटरव्यू काफ़ी वैसे आगे हुआ वैसे था. टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि एक पहले से ही लगी पड़ी थी कंपनी में जॉब, वरना वो तो जाती टेंशन भाई। मेरे को पता है भाई, जो लोग वेट करते हैं अपने रिजल्ट के लिए, उनको स्ट्रेस होता है थोड़ा सा। नेचुरल है, इफ़ यू आर नॉट प्लेस ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बट यार यू शुड ट्राई टू हैंडल इट। मलिया का भी ऐसा हुआ था कि ऊबर में शी वॉज डूइंग इंटर्नशिप एंड समहाउ शी डिडंट गेट पीपीओ ऑफर, तो उस टाइम पे स्ट्रेस था, बट स्टिल शी मैनेज टू लर्न, शी मैनेज टू स्टडी एंड शी डिडंट गिव अप होप्स एंड शी वॉज एबल टू क्रैक ऑफर वेरी सून आफ्टर दैट। सो दैट्स वाई अगर आप लोगों का जस्ट इन केस ऑनलाइन राउंड्स नहीं निकल रहे हैं या फिर किसी कंपनी से रिजेक्शन आ जाता है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, देर आर अदर कंपनीज, जस्ट कीप स्टडिंग। बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, आपको वैसा नहीं करना है, रुकना नहीं है, जस्ट कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग थिंग्स एंड वन डे यू विल डेफिनेटली गेट प्लेस्ड। या सो आफ्टर दिस थर्ड राउंड का शेड्यूल मेरे पास आया एंड उसके लिए मुझे इनफ टाइम मिला था. तो उस टाइम में क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट पहले से ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना बार रिजर्व राउंड के बारे में, जैसे बताया गया था कि इसमें आपसे फंडामेंटल्स पूछे जा सकते हैं, कोई सीनियर आपका इंटरव्यू लेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही ईजी से आपको प्रॉब्लम दे देंगे वो, लेकिन उसी में ही आपके सारे चीज़ें चेक कर लेंगे, आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं, कितना क्लियर आपको पता है कि कोई कोई डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कितनी अच्छी है आपकी. तो ये सब कुछ आपका इस राउंड में चेक किया जाता है. कोई आपसे ऐसे लीडरशिप वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जैसे कि यूजुअली एचआर राउंड्स में होता है, दैट्स वाई दे नेम इट एज बेस बार रेजर राउंड. सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपना फंडामेंटल्स पे ही थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ, तो आई डिड दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड. एंड उसके बाद में इंटरव्यू के दिन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मोड में मैंने इंटरव्यू दिया. उन्होंने मुझसे एक ईजी तो नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी, मीडियम लेवल की आप बोल सकते हो क्वेश्चन पूछ लिया था. उसी में मेरे उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक कर लिए और लास्ट में द इंटरव्यूअर ऑल्सो गिव मी द फीडबैक कि आपके फंडामेंटल्स वगैरह काफ़ी क्लियर हैं, तो कीप इट अप. एंड बिकॉज ऑफ हिज फीडबैक इस अगेन मुझे थोड़ा सा लगा कि हो जाएगा मेरा इस राउंड में भी. तो फिर उसके बाद में मुझे एक महीना वेट करना पड़ा था फॉर द रिज़ल्ट. तो एग्जैक्टली एक महीने बाद मुझे रिज़ल्ट पता चला कि मैं हो गई हूँ शॉर्टलिस्ट एंड सिलेक्शन हो गया है मेरा. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ऑफर, इट इज़ इट सेल्फ एन अचीवमेंट टू क्रैक एन ऑफ कैंपस ऑफर, जहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली कैंपस से थोड़ा ज़्यादा होता ही है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। जो लोगों को लगता है कि ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर। इफ़ यू गेट अ चांस फॉर एन इंटरव्यू, मेक श्योर दैट यू क्रैक इट। अपनी तैयारी इस तरीके से करके रखो। राइट नाउ आई कैन से दैट मलिहा का जो DSA का लेवल है ना, दैट लेवल इज एज गुड एज माई। मतलब अगर मैं कोई ग्राफ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ ना, मोस्ट प्रोबेबली मलिहा इज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज शी सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ, शी प्रैक्टिस इट अ लॉट। सो वही यार, आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, सब लोगों को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उसी से आपका जो इंटरव्यू है वो क्रैक होगा। ओके, देर इज नो अदर वे। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट एंड प्रैक्टिस इन द करेक्ट डायरेक्शन। गलत डायरेक्शन में मत जाना, कुछ और मत प्रैक्टिस करने लगना जो कि आने ही नहीं वाला है इंटरव्यू में। मेक श्योर दैट यू वर्क इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड मेक श्योर दैट यू वर्क। एंड ऑल्सो सो आई वुड लाइक टू एड अ पॉइंट हियर कि बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें रेफरल नहीं मिला, हम रेफरल से अप्लाई नहीं करेंगे तो हम शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, ये सोच के वो अप्लाई ही नहीं करते हैं. तो यू शुड नेवर डू दैट मिस्टेक, क्योंकि आजकल रेफरल्स भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं. तो आपके ज़रूरी नहीं है कि रेफरल से भी आपका हो ही जाए, अगर होना होगा तो बिना रेफरल के भी आपका शॉर्टलिस्ट हो सकता है, और अगर नहीं होना होगा तो रेफरल के साथ भी काफ़ी बार नहीं होता है. तो इसीलिए अप्लाई तो आप करो ही, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उन सब में अप्लाई करो, क्योंकि अप्लाई नहीं करोगे तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. सो आई थिंक यू शुड अप्लाई एंड यू शुड स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल बी एबल टू क्रैक एनी इंटरव्यू ऑफर. ऑल राइट, तो यार वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू ऑल आर मोटिवेटेड एंड यू विल बी नाउ अप्लाइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट यू सी ऑन लिंक्डइन एंड सेवरल अदर प्लेटफॉर्म्स। सो कीप अप्लाइंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कीप योर मोटिवेशंस अप। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू। थैंक यू.